हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बट इस वीडियो में हम लोग कोई भी मैथमेटिकल टॉपिक लेकर नहीं आए हैं, जबकि अपने ही द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, जिनका कुछ विशेष उद्देश्य है। मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष उद्देश्य के लिए पंक्तियां लिखी गई हैं, जिससे ऐसा लगा कि आप तक वो उद्देश्य पहुंचाना जरूरी है और आप तक पंक्तियों के माध्यम से कोई संदेश पहुंचाना जरूरी है। तो इसीलिए आज हम वो पंक्तियां लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं और ये वीडियो उसी पे है। तो पहली चीज ये है कि उद्देश्य क्या है। देखिए, ये पंक्तियां जिस उद्देश्य के लिए लिखी गई हैं, बेसिकली लाइफ में कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि आप काफी लो फील करते हो। लो फील करने का मतलब आपको पता है कि चीजें ऐसी आपके साथ हो जाती हैं या लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि आपको लगता है कि अब सब कुछ लगभग इस पॉइंट पे आके खत्म हो चुका है, अभी आगे कुछ है नहीं, आगे हम कुछ नहीं कर सकते। और बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं आपके साथ लाइफ में कि आप, या फिर ऐसा होता है किसी चीज पे आपने काफी इन्वेस्टमेंट कर दिया होता है और फिर वहां से पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते या निगेटिव रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो फिर आपको लाइफ में लगता है कि अभी एवरीथिंग इज कम्स टू एंड, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हीं उद्देश्यों, मतलब उसी उद्देश्य से कैसे खुद को हम समझा सकते हैं, उससे रिलेटेड है ये पंक्तियां। और इस पंक्ति की पहली लाइन हम कहें या फिर हेडिंग भी यहीं से शुरू होती है। तो पहली लाइन कुछ इस तरीके से है, या मेन हेडिंग जो हाईलाइट करने का प्रयास किया गया है वो है, रख भरोसा खुद पर, एक दिन खुद ही मंजिल बनेगा। रख भरोसा खुद पर, एक दिन खुद ही मंजिल बनेगा, जिन राहों से गुजरा है वही तेरी मंजिल का रास्ता बनेगा। रख भरोसा खुद पर, एक दिन खुद ही मंजिल बनेगा, और जिन राहों से गुजरा है तू वही तेरी मंजिल का रास्ता बनेगा। फिर है, पत्थरों के टकराने से ही तो तू चट्टानों सा मजबूत बनेगा, जितना इरादों को करेगा बुलंद उतना ही विशाल बनेगा। जितना इरादों को करेगा बुलंद उतना ही विशाल बनेगा। कर रख भरोसा खुद पर, एक दिन खुद ही मंजिल बनेगा। फिर, उदासी दूर होगी तेरी तू दूसरों की खुशी बनेगा, जानता हूं समझता हूं नाराज है खुद से कि मैं अकेला हूं। जानता हूं समझता हूं कि नाराज है खुद से कि मैं अकेला हूं, पर यह समझ अकेले रहकर ही तो तू खुद को समझ सकेगा। अकेला रहकर ही तो तू खुद को समझ सकेगा, रख भरोसा खुद पर, एक दिन खुद ही मंजिल बनेगा। देखना जो गुजर रहा है यह वक्त भी तेरा इंतजार करेगा। जो गुजर रहा है वो वक्त भी तेरा इंतजार करेगा। जानता हूं समझता हूं भरोसा नहीं है खुद पर कि मैं क्या चीज हूं। भरोसा नहीं है खुद पर कि मैं क्या चीज हूं, पर सोच पर समझ कि भरोसा जीत कर ही तो तू खुद से प्यार करेगा। भरोसा जीत कर ही तू खुद से प्यार करेगा। रख भरोसा खुद पर, एक दिन खुद ही मंजिल बनेगा। रख धैर्य देखना तू लोगों का सपना बनेगा। रख धैर्य देखना तू लोगों का सपना बनेगा। जानता हूं समझता हूं डर है ना कि लोग क्या कहेंगे। डर है ना कि लोग क्या कहेंगे, पर ये सोच लोग कुछ कहेंगे तेरे बारे में तभी तो तू लोगों के बीच की आवाज बनेगा। पर सोच ये कि जब कुछ कहेंगे लोग तेरे बारे में तभी तो तू लोगों के बीच की आवाज बनेगा। रख भरोसा खुद पर, एक दिन तू मंजिल बनेगा। यादगार होगा तेरा हर एक लम्हा और अगर हार कर जीतना सीख गया तभी तू काबिल इंसान बनेगा। अगर तू हार कर जीतना सीख गया तभी तू काबिल इंसान बनेगा। रख भरोसा खुद पर, एक दिन खुद ही तू मंजिल बनेगा। तो देखिए, ये वही चीजें हैं। इस पंक्तियों को लिखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मतलब आप तक ये उद्देश्य भेजा जाए कि जब आप लो फील करते हो तो आपको खुद को बूस्ट अप करना है कि यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, उनसे जो भी रिजल्ट हैं, मतलब आपके सामने निगेटिव रिजल्ट्स हैं, तो माइंड में यही सब चलता है, सोशली क्या होगा, कैसे होगा, या हम खुद को कैसे संभालेंगे। तो खुद को संभाल के रखना है। सोशली जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सब अगर निगेटिव है तो उनका पॉजिटिव फेज भी है, अगर आप उनको सही से टैकल करते हो। तो यही मुख्य उद्देश्य था इस पंक्तियों का। अगर आपको समझ आई हो और आपको अच्छी लगी हो और आपको उद्देश्य आप तक पहुंचा हो और आपने कुछ मोटिवेटेड फील किया हो, इंस्पायरिंग कुछ मोटिवेटिंग फील किया हो, तो शेयर कीजिए और लोगों के साथ भी।
एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.